कीर्तन तो बाद जदों थकावट हो जाए उन्होंने दो तीन घंटे कीर्तन करके तो फिर यह नहीं कि बस हूँ बहुत मैं कर लिया, जिवें संसारी लोग कहिंदे बस नितनेम कर लिया हूँ सवेरे तो हूँ आप टीवी देखिए, नितनेम करके टीवी देख लग जाते हैं, नितनेम कर लिया बस हूँ आप गल्लां गप्पां मारदे हैं, हूँ आप कोई होर पुठा काम करते हैं। महाराज कहते ये अपनी कीती हुई नूं गवा लैंदे ने आपे, पहला चंगा करनगे फिर माड़ा करनगे, वो चंगा करके माड़ा करके दोनों मिक्स कर लेंदे आपस में। गुरमुख जन जिहड़े ने संभाल के रखते हैं, पहला वो कीर्तन जे कीता भी उन्होंने गुरमुख वेदन, फिर गुरमुख जिहड़ा वेद का अर्थ है ज्ञान, फिर गुरमुख ज्ञान की कथा करते हैं, ज्ञान की विचार करते हैं, वेद का अर्थ है ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हैं। ये एक बड़ी डूंगी चीज है जिहड़ी अज का विशेष विषय ही आना बाद दे विच, स्वरूप का ज्ञान होना अपने का। हुण जे किसी बंदे नूं कहीए कि अपने स्वरूप का ज्ञान रख, तेरा रूप की है, वह शीशे मूहरे खड़ा। हुण जे आपां सारयां नूं कहीए भी अपने रूप का ध्यान करो, क्योंकि आपां शीशे विच आपां रूप देखिया ही होया सारयां ने, मैनूं अपने रूप का पता किहा जा, तुहानूं अपने रूप का पता, पर इह तां गलत गल है। अपने अंदरले स्वरूप का ध्यान रखते हैं गुरमुख, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, वो मन तू जो स्वरूप है दा ध्यान गुरमुख रखते, इन्हू कहने गुरमुख वेदन। गुरमुख या तो ज्ञान की कथा करते हैं या फिर अपने स्वरूप का ज्ञान अंदर रखते हैं। ये अपने अंदर एक अद्धा सेकेंट आता हों कदे कदे या दो मिनट किसे च आ गया। हुण महाराज कहिंदे जिहड़ा बंदा 24 घंटे अपने स्वरूप का ही ध्यान रखता है, ये है तो बहुत औखा जिहा, पर फिर भी कोशिश करो मैं अपने अंदरले स्वरूप का ध्यान करा, क्योंकि मेरे अंदर जिहड़ी जोत है, आत्मा है, जीव आत्मा, उही मेरा रूप है। इहों अंदर जुड़ जांदी बिरती, पहला कुछ समा जुड़ती है जो अपने स्वरूप का ध्यान करिए, फिर ये शरीर सुन हो जाता, शरीर में नहीं पता लगता मैं कितने बैठा, उन्होंने जो हिलाओ भाई तुम तो 10 घंटे हो गए तुम उठते ही नहीं, वो कह ना मैं तो हमने ही बैठा सी, हाल एक दो मिनट तो होए मैं बैठे नूं, उन्होंने एक दो मिनट लगते हैं, आप कहने 10 घंटे हो गए तेन बैठे आ जेड़े ने, आप कहने फलाने की इन्ने इन्ने हजार वरा समाधि ला गई, वो जे चार युग भी समाधि ला दे स्वरूप के ध्यान वाला, जे उन्हें उठा के कहीं उठो जी चार युग बीत गए, कहने मैं तो हूं ही बैठा सी हले, हाले 2-4 मिनट हो मैंने उठा भी दिता, इन्नी डूंगी समाधि है स्वरूप के ध्यान की। महाराज कहने गुरमुख जेड़े ने अपने स्वरूप का ध्यान लाते ने, कै स्वरूप गीत गावै कै स्वरूप ध्यान लावै, विचार सागर ग्रंथ है। कहने जां तां कै दा अर्थ है जां, जां तां गुरमुख अपने परमात्मा के गीत गाते हैं, जां गुरमुख अपने स्वरूप का ध्यान लाते हैं। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, ज्ञान की कथा ही करते रहते हैं सारा दिन, उन्हां कोल ज्ञान ही है। गुरमुख रहा समाई, फिर वो की करते हैं गुरमुख प्यारे गुरु के उपदेश में लैके, मुखी गुरु जिहड़े ने ना सतगुरु जी, उन्होंने उन्होंने चित समाया रहा, निर्विकल्प समाधि में जुड़े रहते हैं, बस उन्होंने 24 घंटे 3 ही काम ने, कीर्तन कथा ते समाउना, हर वक्त अपने स्वरूप का ध्यान रखना। अपने स्वरूप नूं भुलदे नहीं, उह जदों बंदा अपने स्वरूप नूं भुल जांदा है उदों परमेश्वर नालों टुट जांदा। अपने स्वरूप विच ध्यान नूं लीन करके गुरमुख रखदे ने, आपां भी कोशिश करिए अपना अपने स्वरूप विच ध्यान लग जाए,
परमेश्वर ऐं बैठते हैं जो इकले होंगे ने ना सृष्टि की रचना नहीं करते वो अपने स्वरूप का ध्यान करके बैठे रहते हैं उदों भी निरंकार एकांत होंगे ने आत्म चिंतन करना कहते हैं अपने स्वरूप का आप ही ध्यान करके आपे जपो अपना जाप आप ही करते हैं अपना स्वरूप भी हुण जिहड़ा आपां मूंह विचों कहिंदे आ वाहेगुरु 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 ये वाहेगुरु अंदर जिहड़ा जोत वाहेगुरु दी आ वो अपना ही स्वरूप अंदर है ये वाहेगुरु इसे स्वरूप का आपां ध्यान करना है इहनूं मन दी एकाग्रता कहिंदे ने पर क्योंकि इन्ना अपने कोल टाइम नहीं आता इत्थे बंद बना के आप कथा सुनते हैं बाद विच तां सब खिंड खिंडा हो जाना बस तू कौन मैं कौन हो जाती नाल नाल ही क्योंकि अपना स्वरूप का ध्यान सिर्फ इत्थे ही हुंदा आपां नूं ताइयों तां इत्थे ज्ञानवान बन जाने आप बाहर निकलदे ही अपने स्वरूप का ध्यान भुलदे आ सारे आपां नूं शरीर विच आ जाने आप फिर शरीर का ध्यान होण लग पैंदा भई दो प्रसादे छकने जाके ते कपड़े पाने भी फलाने थां जाना भई उह बस ध्यान टुट गया स्वरूप तों ज्यों ही स्वरूप तो ध्यान टुटता उदों ही आप बेमुख हो जाते हैं आप गुरमुख उदों तक है जदों तक अपने स्वरूप में अपना ध्यान जुड़िया रहिंदा तो अपना स्वरूप आत्मा है तो आत्मा कदे मरदी नहीं आत्मा परमात्मा ही है सो इस करके सतगुरु महाराज ये अर्थ जिहड़े ने दूसरे गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई ये पहला हो चुके ने पहले भाव के क्योंकि इत्थे उन्हां दा उही भाव है कि गुरु ही मेरा ईश्वर है गुरु ही मेरा गोरख है गुरु ही मेरा ब्रह्म है गुरु ही पार्वती है गुरु ही मेरी माई है मेरे गुरु ग्रंथ साहिब च सारा कुछ ही है इस करके मैनू होर किते जाण दी जरूरत नहीं है कहिंदे महाराज फिर परमेश्वर बारे तां तुसीं जाणदे होवोंगे महाराज कहिंदे भावें भी मैं उहदे शुद्ध स्वरूप नूं जाणदा हाँ हाँ अंतरात्मे अपने ज्ञान द्वारा जे हां जाणा आखा नाहीं जे मैं जानता भी हाँ तो मैं कहना नहीं है आखांगा नहीं क्यों महाराज कहिंदे कई चीजा आखण विच नहीं आउंदियां कहिंदे महाराज वो किवें हर गल आखण विच आउंदी है महाराज कहिंदे जदों संसार दे अंदर कोई बंदा अत्यंत दुखी हुंदा वो गल करदा 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 एकदम फुट पैंदा जो रोना शुरू कर दिंदा आपां बड़ा उन्हूं हलाउंदे आ पर गल अग्गे तां दस वो उच्ची उच्ची रोण लग जांदा उत्थे भी यही अवस्था हुंदी जे हों जाणा आखा नाहीं उच्ची उच्ची रोण तो बिना कुछ नहीं क्योंकि इन्ना दुखी है कि वह रोण दे नाल ही आपां नूं दस रहा भी मैं बड़ा दुखी बंदे दे अथरू दसदे ने अथरूआं दी भी एक बोली है एक रोण दी भी बोली है इस तरह गुरमुखां दे अंदर जदों उहदी अवस्था का ज्ञान हुंदा है वो दुनिया कहिंदी है कि रोई जांदा है कोई कहिंदा हसी जांदा है पर महाराज कहिंदे रंग हसै रंग रोव है चुप भी कर जाहे परवाह नाहीं किसै केरी बाज सच्चे नाह महाराज कहिंदे एक इहो जी स्टेज आ जांदी है जिथे बंदे नूं चुप ही कर जाना पैंदा है कई बंदियां दा कोई चढ़ाई कर जे उची उची रो के अपने दुख नूं प्रगट करदे ने बोल नहीं सकदे अपना दुख जदों कोई उची उची रोंदा तां आपां अंदाजा ला लैने भई लै भई कोई घटना हो गई भई कई जिहड़े ने उह किसे दे कोई चढ़ाई कर जे तां एकदम चुप हो जांदे ने उहनां सुन्न अवस्था चले जांदे ने डाक्टर कहिंदे इहनूं रवाओ भई नहीं तां इह मर जाएगा उह रो नहीं सकदा उहदी बोली बंद हो जांदी है सुन्न दशा चले जाता है ठीक इस तरह ही ब्रह्म नूं जानन वाले भी सुन्न दशा विच चले जाते हैं बोल नहीं सकते उत्थे कोई अक्षर ही नहीं है मैं अक्षर केड़े बोलां जद इत्थे संसार का कोई अक्षर ही नहीं कहना कथन न जाई महाराज कह के कथन कहिंदे की करां कह ही नहीं जाता वो कोई बोली नहीं है कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया पूछे ते क्या कही हुण की कथन करां तुहाडे कोले एक अवस्था यह भी है भी एक छोटा जा बच्चा हले बेचारा स्कूल भी नहीं गया है वो एक पढ़िया लिखिया बंदा बहुत ज्यादा वो की कथन करेगा वो क्योंकि जेड़े बंदे नु बच्चे नु आपां हले लोरियां सुनाउने आ जेड़े बच्चे नु अला अला करी जाने ऊ करते हैं वो ही तो कोई बोली नहीं हुंदी
हूँ उसनों आप इंग्लिश गल शुरू कर दीए पंजाबी शुरू कर दीए कोई गल्ला करिए बिटर बिटर देख के हसदा रहिंदा बच्चे का कम तो देख के हसना है फिर आप बोली च करते हैं उही जी गल उन्हूं हसाने हैं मूँह उंगल जी ला के शी 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 करते हैं ये कोई बोली है पर वो फिर भी हसदा महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे कहना कथन ना जाई ब्रह्म नूं भी औं कथन करना ही बड़ा औखा कहिंदे तुसीं बच्चे हो बच्चे तुहाडे कोल मैं उहदा कथन की करां मेरे बराबर दा ही बैठा होवे फिर मैं उहदे कोल कथन करां कि ब्रह्म कैसा है फिर असीं एक दूजे नूं अपनी बोली च बोल के दसीए ये तुहानूं तुहाडी बोली च मैं बना के नहीं दस सकदा उहनूं इस करके वह कहड़ा कथन है महाराज कहिंदे कहना कथन ना जाई ये दो नन्ने कट्ठे हो जाते इत्थे इस करके खीरले नन्ने नूं हुण औंकड़ उहनूं वक्खरा कर दिंदा कहना कथन ना जाई जे तुसीं कहो कहना कथन ना जाई कथन भी इक्को ही नन्ने च सारा कुछ बन गया दोनों नन्ने खत्म हो जाते वक्खो वक्खरे कर लो जिथे भी दो अक्खर आ जाण ना जिवें आउंदा ना सहस सियाणपा लख होए ये जिहड़े सहस सियाणपा दो अक्खर दो सस्से कट्ठे हो जाते सहस सियाणपा कट्ठे बोल जाने सहस वक्खरा सियाणपा वक्खरा कहना कथन ना जाई कथन नहीं किया जा सकता वह ब्रह्म नूं किसी भी बोली विच ये तां जिहड़ा जाणदा ना जो पेखा तिसको बन आवे बस उसे नूं बन आउंदी है दूसरा बंदा तो उहदा बस कह ही नहीं सकता कुछ किन्ना कदंद है भाई वीर सिंह कहिंदे मैं की कहां जदों कदे वह कथन करन लगदे ने कहिंदे असल विच उस दुनिया का इस दुनिया का बड़ा फर्क है मैं कुछ कथन नहीं कर सकता गुरा एक देह बुझाई मैनू तो मेरे गुरां ने अकाल पुरख वाहिगुरु ने एक सिक्ख्या समझा दिती है केड़ी सबना जीयां का एक दाता सारिया जीयां का जिहड़ा दाता ने एक अकाल पुरख वाहिगुरु जदों गुरां ने मेरे अंदर ले सरूप की सिक्ख्या का ज्ञान दिता मैनू अंदरले सरूप की सिक्ख्या की जदों बख्शिश की मेरे सिर ते हाथ रख के तां मैनूं ओं प्रतीत होया सोई फिर कै तू भया जा को कहता और जिहनूं तू होर कहिंदा सी उह रब होर है वह मैनूं तां हुण दिखिया तां मैं मेरे सरूप आ मैं तो उहदे नालों वक्खरा ही नहीं मैं अपने आप नूं सारी जिंदगी वक्खरा ही समझदा रहा सो मैं कहिंदे सो हंग एक हुण बहुत उच्ची स्टेज की अवस्था है ये पहले अर्थ विच नहीं पहला तो दुनियावी लोगों लई अर्थ बनाया जाता भी दूजा अर्थ जिहड़ा अंतरी भाव विच है ब्रह्म ज्ञानी लई है जदों ये अर्थ का ज्ञान होया मैनू गुरां ने जदों समझाया सिक्ख्या दित्ती मेरे सिर ते हथ रख्या जदों सतगुरां ने जदों मैनू अंदर सरूप का ज्ञान होया जदों ये सिक्ख्या दित्ती कि वह जो ब्रह्म है ना सारिया जीयां दा एक दाता वो तेरे नालों वक्खरा नहीं वह तू आप ही है अंदर देखता अपने जब अंतरात्मा में अपने स्वरूप नूं देखिया देखिया भी सो मैं वो तो मैं ही है सो हंग इत्थे दूजी अवस्था आउंदी है विसर ना जाई कहने महाराज जी तुहानूं फिर उस स्वरूप भुल भी जांदा होना महाराज कहने अठे पहर उस स्वरूप का ध्यान मैनूं रहिंदा क्योंकि वह स्वरूप मैं ही हाँ ये गल का ज्ञान जीव नूं भगती करके जां तां हजारां जन्मां बाद हुंदा है जां हजारां सालां विच हुंदा है जां हजारां महीनियां बाद जां हजारां दिनां विच भी हो जांदा है ये तो रब की मर्जी है कि जदों अपने स्वरूप का ज्ञान हो जांदा है तो वह कबीर जी कहिंदे तू तू करता तू हुआ मुझ मैं रहा ना हूं आपा पर का मिट गया जत देखां तत तू इत्थे भगत रविदास जी का वो शब्द आ जाना जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही सो मैं विसर ना जाई पहला तो आप कहते जो परमेश्वर है मैं भुल ना जाए जा ये सिक्ख्या मैं भुल ना जाए पर जदों अपनी अवस्था बनती अंदर तो बड़ा आनंदमयी अवस्था होंगी है सो मैं वो मैं ही हाँ वो ब्रह्म मैं ही हाँ अनल हक ये बहुत उच्ची अवस्था आम लोगों में कथन भी नहीं होंगी जब
गुरु नानक देव महाराज ने गुरता गद्दी बख्शी, गुरु अंगद देव महाराज ने मत्था टेक दिता, सारिया बख्शिशा कीतिया। कहिंदे पुरखा हुण की ध्यान आ रहा चारे पासे, की नजर आउंदा तुहानूं? कहिंदे महाराज मैनूं इउं नजर आउंदा कि मैं ब्रह्म हाँ इस वक्त ब्रह्म। गुरु नानक देव जी महाराज कहण लगे ये उही अवस्था है, सो मैं सो हंग। पर एक गल याद रखनी, संगत विच कदे ना कहो कि मैं ब्रह्म हाँ। क्यों जे तुसी आम लोकां विच जां संगत विच ये कहोगे मैं ब्रह्म हाँ, ये कलजुगी लोग ने, इन्होंने भी कहण लग जाना कि मैं किहड़ा घट हाँ, मैं भी ब्रह्म हाँ। इस करके इन्हां विच दासा भाव पाउण लई आपां दास बन के इन्हां नूं दासा भाव सिखाउणा है। ये अखर इन्हां लोकां विच नहीं वरतना, बस इत्थे तां यही कहना कि सो मैं विसर ना जाई, वो रब मैनूं भुल ना जावे। पर अंतरी अवस्था विच की है, सो मैं विसर ना जाई, मैनूं वो अपना सरूप भुलदा ही नहीं, क्योंकि वह जिहड़ा वाहिगुरु वह मैं ही हाँ, मन तू जोत सरूप है। तो इस करके महाराज कहिंदे ने इस तरीके दे नाल अपने स्वरूप का ज्ञान हमेशा इंसान नूं होना चाहिए। सो महाराज सच्चे पातशाह जो वचन कर रहे सिद्ध कहण लगे एक बारी भी महाराज जी जिहड़ा आप कृपा करो सारिआं नूं, कहिंदे जल लैके आओ, पिछले पासे तलाब दे विच जल है। इन्ना वचन करके भी उन्हां नूं महाराज तसली नहीं आई भी शायद डोल जाण, शायद माया ते डोल जाण। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह धन है, गुरु नानक देव महाराज सिद्धा ने कहा जल लैके आओ, उठ के जल लैण चले गए। जब उस सरोवर दे विच गए पिछले पासे जिहड़ा बनिया होया सी उत्थे, उहदे च पानी तां है ना, उहदे च रिद्धियां सिद्धियां नाल शक्तियां नाल इन्हां ने की कीता, हीरे मोती जवाहरातां दा भर दित्ता उह तलाअ जिहा सारा, वी गुरु नानक देव जी डोल जाणगे, डोल के फिर ये साढ़े चेले बन जाणगे, फिर साढ़े धर्म दे विच हमरा पंथ करे उजियाला, फिर साढ़े जिहड़े सिद्ध पंथ है इहनूं उजियाला करनगे। सो इस करके हुण सिद्धा ने मन दे विच विचारिया कि किवें सिक्ख्या लैण, साढ़े कोलों दीख्या लैण, सिद्धी मने विचारिया। सिद्धा ने मन दे अंदर विचार कीती वी किवें इहनां किवें सिक्ख्या लै लैणा है। जदों महाराज वापस आ गए खाली बर्तन लै के, कहिंदे भाई उत्थे तां जल है नहीं। सिद्ध बड़े हैरान है वी तां भरम ही नहीं है, नहीं तां आम बंदा मोती हीरे जवाहरात देख के भरम जांदा। उन्होंने फिर विचार लिया कि माया तो उपर हैं सच्चे पातशाह। कह लगे महाराज जी तीर्थां ते इशनान करन चलीए, बड़ा भारी लाभ मिलता है। सो सतगुरु महाराज कहन लगे तीर्थ नहावा जे तिस भावा, तीर्थां उत्ते तां नहाईए जे उस परमेश्वर नूं भाईए भा जाइए, जे उह परमेश्वर नूं उत्थे नहाउणा पाउंदा होवे तां। बिण भाणे के नहाए करी, हुण उहदा बिना भाए तो जां बिना भाणा मन्ने तो किवें नहा सकदे आ, उत्थे उत्थे की करांगे इशनान करके? पहलां तां तुसीं उहदे भाणे विच आओ, जद तक उहदा भाणा ही नहीं मनदे हो, तीर्थ दे उत्ते तीर्थ नात फिरे लिए सात समुंदर लोक गयो पर लोक गवायो। महाराज दसवें पातशाह जिवें वचन करदे ने, महाराज कहे तीर्थां उत्ते नहा के की होएगा? सो जिवें तुलसी भगत जी होए नो रहिंदे सी अपने स्थान ते, हरिद्वार चले गए तीर्थ नहाउण चले गए। जदों उत्थे गए मूर्ति खरीद ली, एक कहिंदे किन्ने दी, कहिंदे ये चार आने दी मूर्ति है। कहिंदे भई साढ़े ते उत्थे एक रुपए दी मिलदी है। मन च सोचिया जी दस भी मूर्तियां लै चलीए, एक मूर्ति मगर इन्ने आपां नूं लाभ हो जाणा पैसियां दा। गए तां सी तीर्थ नहाउण खरीदण लग गए मूर्तियां, पिछों परमेश्वर ने साधु दा रूप धारिया इहदे घरे आए, भगत जी नूं कहण लगे इस भगत जी नूं मिलना सी किथे गए ने? कहिंदे जी उह तां तीर्थ नहाउण गए ने, गंगा यात्रा गए ने। कहिंदे कानूं गया गंगा यात्रा, मूर्तियां खरीददा फिरदा उत्थे? उह तां कह के चले गए, उहदे घरवाली नूं बड़ा संसा होया वी इह साधु किवें बोल गया। जदों वापस आए कहिंदे जी एक साधु आया सी, वह ऐं कहिंदा सी, बड़ा झटका जिहा वज्जिया दिमाग नूं वी इह की होया,
कहने भी गलत गल होगी, परमेश्वर आए होने हैं। फिर कहते घरवाली तू हूँ वो तो संगण भी मैं गल मेरी सच्ची हो गई भी वो जरा साधु कह गया। मूर्तियां चुक के फिर तुर के वापस कहते मैं गंगा यात्रा जा रहा बहाने नाल मूर्तियां चक्कियां चले गए। फिर परमेश्वर आ गए कहते कित्थे गया कहने जी वो कहने मैं गंगा यात्रा कहने कानू हूँ संघ का शर्म आँदी हूँ मूर्तियां मोड़न चलिया गया कहने हले भी यात्रा लगी नहीं उदी। फिर आए कहने कोई आया सी घर कहते हाँ जी एक उही साधु आया सी कहते मूर्तियां मोड़न गया। फिर बड़ी शर्म आई कहने मना आपां की लैना इन्हां गल्लां तों, ये संसारी लोगों दीआं गल्लां ने, तीर्थां ते जाके समान खरीदना ते फिर बेचना, आपां भगत आदमी आपां ये कानू करना। फिर सच्चे दिलों तुरिया करों भी सिर्फ गंगा ते इशनान करके मुड़े आना बस होर कुछ नहीं करना। फिर इशनान करन गए फिर साधु आए कहने किधर गए ने कहने तीर्थ नहाउण गए ने गंगा गए ने कहने हाँ होण गया नहीं तो यह मुंज बगड़दा मेला जिहड़ा चलदा ही रहिंदा लोगों का भी उत्थे चले तो हाँ उत्थे बदाम सस्ते ने वो खरीद के उहे वेचांगे फलाने था आ चीज़ सस्ती है और लोग तो एडे भैड़े तो जिवें चुटकला बनाया किसी ने कहने जे ये चलिया गया दुकानदार जो वो कहता भी धर्मराजा कहता कित्थे कि तैनूं हुण छड्डां कहना मैंने तो ऐ करो स्वर्गों के नरकों के विचाले जे बिठा दो कहने क्यों कहने उत्थे मेरी चंगी दुकान चलू दो पैसे बचणगे। यह संसार जिहड़ा हमेशा ही सोचता जे यात्रा भी जाणगे तां भी सोचणगे इत्थों कुछ लुट के लै चलीए। भगत कबीर जी तो कहने कबीर लूटना है तो लूट ला राम नाम है लूट फिर पाछा पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट, पर यह लूटन नूं ही तैयार रहिंदे ने हमेशा। महाराज कहते तीर्थ नाता क्या करे जे तीर्थ से नहा के की करोंगे, तीर्थ नहावा जे तिस भावा जे उन्हों पा जाइए तां तीर्थ से इशनान करिए, उहदे बिना पाए तो तीर्थ नहा के की करोंगे, ना तो तुसी उहदे भाणे विच रहिंदे हो ना तुसी उहदा भाणा मनदे हो ना तुहानूं पता ही है कि तीर्थ उत्ते नहाउणा हुंदा की है। इस करके ये जिहड़ा तीर्थ का इशनान है ये तो तुहानूं फिर दसांगे वी तीर्थ हुंदा की है असल विच। सो जिवें सिद्धां ने कहा सी थनेसर नामे तीर्थ उत्थे चलीए तां वी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने बचन किया सी तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। इस करके महाराज कहिंदे तीर्थां उत्ते नहाउणा उदों ही सफला हुंदा है जद उहदे भाणे विच चलीए, जे उहनूं भा जाइए जे उहनूं चंगे लगीए फिर तां इक छपड़ी विच नहाउणा वी चंगा लगदा जे उहनूं भा जाइए, जे उहनूं भाईए ही ना फिर जिन्ना मर्जी कुछ करी जाइए फिर कुछ प्राप्ति ही नहीं होंदी। तो इस करके सब तो पहला काम है वाहेगुरु के भाणे विच आओ, बस जे उहदे भाणे भाणे विच आ गए गुरमुख तेरा भाणा भाव है फिर उहनूं भा गए समझ लो। जे आपां उहदे भाणे विच आ जाइए सब तो वड्डा भाणा उहदा की है, भाणे दा अर्थ है हुक्म, हुक्म की है वाहेगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु